एमपी में कमलनाथ सरकार के गिरे हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया हो, लेकिन पूर्व सीएम कमलनाथ को उसकी टीस अभी भी है। इंदौर में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संजय शुक्ला के नामांकन के मौके पर बुधवार को पूर्व सीएम कमलनाथ भी पहुंचे थे। यहां पर वो मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो जाने लगे, तभी किसी ने सिंधिया को लेकर सवाल पूछ दिया। फिर क्या था, कमलनाथ दोबारा कुर्सी पर बैठ गए और उस वक्त हुई खरीद फरोख्त का एक किस्सा शेयर किया। इस किस्से में उन्होंने दावा किया कि किस तरह से एक विधायक ने उन्हें पैसे मिलने की बात बताई थी। ये जो सौदा हुआ, मेरे पास तो एक विधायक गया 2 महीने पहले, मेरे पास आया 2 महीने पहले। ये अब रिकॉर्ड में नहीं है, मैं आपको ये बात शेयर कर रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री निवास में कहता है कि आज मुझे इन्होंने 5 करोड़ रुपए दिए। मैंने कहा मौज करो, मैंने किस लिए दिए? कहता उन्होंने कहा कि ये हम आगे आपको देंगे, आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में और मिलेगा पैसा। तो मैंने सोचा ये ऐसी हवाबाजी कर रहा है। मैंने कहा पैसा है कहाँ? कहता है मेरी मोटर में है, मैं लाया हूँ, आप मेरे लिए जमा कर लेंगे। सोचिए, तो मुझे तो पता था ये सौदा चल रहा है। जब ये बेंगलोर में थे, मैंने येदुरप्पा मेरे जान पहचान के अच्छे बहुत, उनको फ़ोन किया कि मैं बेंगलोर आ रहा हूँ, आपने हमारे विधायकों को बंद किया हो। कहता बिल्कुल बंद नहीं किया, आप मेरे साथ आके ब्रेकफास्ट खाइए। मैंने कहा आपने बंद किया? कहता नहीं नहीं वो तो मर्जी से उन्होंने लिख के मुझे दिया, हमें पुलिस प्रोटेक्शन दो। तब और मैं सबको कहता गया ये पैसे का सौदा है। इसमें से कई लोग थे जो जानते नहीं थे कहाँ दिए, बेंगलोर में तो ले नहीं सकते। हाँ, इंदौर एक हब था कैश का, जो है भाई ठीक है, तो उसका भी कोई रिश्तेदार होना चाहिए विश्वास का। तो ये सब बातें तो वो तो मेरे से बात करते थे होटल से कि आज हमें ये दे रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ दो, आज ये फलाना मेंबरशिप ले लो, आज ये कर लो, ये एफिडेविट साइन कर दो। ये तो मिनट टू मिनट मैं जानता था। आपको बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने यहां पर एक जनसभा को संबोधित भी किया और संजय शुक्ला को जीत दिलाने के लिए लोगों से अपील की। उसके साथ ही उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को घोषणा भी बताती हुई तंज भी कसा कि शिवराज वहां भी पुल बनाने की घोषणा कर सकते हैं जहां पर कोई नदी ही ना हो। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।